हेलो स्टूडेंट्स, आई कमलजीत कमिट टू बी विजुअलाइज एंड बेयर इन माई माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड क्रेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. टू ऑलवेज वेयर अ मास्क स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेज. टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स. टू वॉश माई हैंड फ्रिक्वेंटली एंड थॉरोली विद सोप एंड वाटर. टूगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट COVID-19. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी कवर्ड अप टू टाइप ऑफ फ्लावर्स. टूडे वी विल स्टार्ट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन ऑफ द एंथर नीड टू रीच द फीमेल गैमेट्स इन द ओवरी. द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉन एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या आता है? जैसे जो मेल गैमेट्स होते हैं, मतलब जो एंड्रोशियम होते हैं बेटा, उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. छोटे छोटे येल्लो कलर के छोटे छोटे से होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो एंथर में होते हैं. अब उनको डेफिनेटली फीमेल गैमेट्स के पास जाना है. फीमेल गैमेट्स मतलब गाइनेशियम के पास जाना है. तो वो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तरफ. उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. ऐसे ही जो पॉलिनेशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में, मतलब एक ही प्लांट में सेम फ्लावर्स है वहाँ पर एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफ़र हो रहा है. जैसे दो फ्लावर्स हैं, सेम फ्लावर्स हैं, इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज और समटाइम्स वेरी क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र हो रहा है. मतलब ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, या तो ये सेम स्पीशीज के होते हैं, ये प्लांट और ये प्लांट दोनों सेम स्पीशीज़ के, दोनों रोज़ है फॉर एग्जांपल, या तो ये क्लोजली रिलेटिव मतलब थोड़ा सा मिले जुले टाइप के फ्लावर्स जो होते हैं सेम दिखते हैं वैसे होंगे. तो यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है पॉलन का, पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ अब ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है? इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग्स की वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देंगे. तो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर्स के पास आते हैं. क्यों आते हैं? नेक्टर कंज्यूम करने के लिए आते हैं, राइट? जब वो नेक्टर लेने आते हैं ना, तो उनकी बॉडी में ना पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं. जब वो स्टिक होकर दूसरे प्लांट के पास जाते हैं वहाँ पर नेक्टर कंज्यूम करने के लिए, वहाँ पर अपने जो स्टिक किए हुए एंथर्स हैं वो फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं. तो यहाँ से ऐसे प्रोसेस हो गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया पॉलन ग्रेन के एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू? इंसेक्ट्स के थ्रू. ये क्या होते हैं? इंसेक्ट्स पॉलिनेटल फ्लावर्स यूजुअली हैव स्वीट स्मेल, ब्राइट कलर्ड पेटल्स एंड आर रिच इन नेक्टर्स. ऐसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं, वो उनमें बहुत स्वीट स्मेल आती है, ब्राइट कलर्ड पेटल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नेक्टर्स होते हैं उनमें प्रोड्यूस. एग्जाम्पल जैसे जैस्मिन, रोज, मैरीगोल्ड, स्वीट पी एंड ऑर्किड. पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू पॉलिनेशन, हवा. क्योंकि पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं बेटा. जब वो लाइट वेट के होते हैं तो जब ज़ोर से हवा आती है ना, तो जो पॉलन ग्रेन्स है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब इनमें क्या होता है? ऐसे केसेस में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो कि पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टिग्मा तक पहुँच जाएँ, गेट इंक्रीज्ड. By reaching to the stigma get increased. Also male and female gametes exposed to the wind. Exposed होना चाहिए wind में. कुछ examples क्या है इसके? Wheat, rice, dandelion and maize में. यहाँ पर किसके through pollination हो रहा है? Wind के through. Now pollination by water. Water में pollination कैसे होता है? पॉलिनेशन एक्वेटिक प्लांट्स सच है सीग्रीस और वेलिसेनिया इज यूजुअली कैरिड आउट बाय वाटर. वाटर के थ्रू पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर. वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी लाइट एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस. जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और वाटर के सर्फेस के ऊपर मतलब तैरते हैं. दे इनमें नेक्टर बहुत कम होता है. दे रिलीज देयर पॉलन ग्रेन इन. अब ये क्या करते हैं? अपना ना पॉलन ग्रेन्स को ना वाटर में रिलीज कर देते हैं, जो कि स्लोली कैरीड आउट टू द फ्लावर्स बाय वाटर करंट. वाटर करंट के थ्रू ये कैरी करते हैं. यहाँ पर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं सेपरेट प्लांट्स में. लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. अब वेलिसेनिया के बारे में अगर हम स्टडी करें, लुक एट दिस डायग्राम. जो मेल फ्लावर, द मेल फ्लावर इज सबमर्ज इन वाटर इन वेलिसेनिया. जो मेल प्लांट होता है बेटा वो पूरा वाटर में सबमर्ज होता है.
इट गेट्स डिटैच्ड एंड फ्लोट ऑन वाटर आफ्टर मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाता है, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, उसके बाद वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। द स्टॉक ऑफ द फीमेल प्लांट इज लॉन्ग एंड ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर, जो स्टॉक्स होती हैं फीमेल प्लांट की वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। जब मेल फ्लावर्स वो फीमेल प्लांट के कांटेक्ट में आता है फीमेल फ्लावर के, तो वहाँ पर पॉलिनेशन होती है। वेलिसिनिया में क्या हो रहा है मैं फिर से बता देती हूँ, जो मेल फ्लावर होता है वो वाटर में पूरा सबमर्ज्ड होता है, लेकिन जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। जो फीमेल फ्लावर होती हैं उनकी जो स्टॉक्स होते हैं वो लंबी होती हैं और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। जब मेल और फीमेल फीमेल फ्लावर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो पॉलिनेशन होता है। ओके, पॉलिनेशन बाय एनिमल, एनिमल्स के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, जैसे बर्ड्स, क्वेल्स, ये भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं ब्राइटली कलर फ्लावर से और पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस होता है एनिमल्स बर्ड्स के थ्रू भी। नाउ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होती है, इन दिस मैथड टू क्रॉप्स ऑफ डिजायर करेक्ट, अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम टू क्रॉप्स ले लिए, टू क्रॉप्स ले लिए जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किया हमने। दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड पेरेंट क्रॉप, इनको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्रॉप बोलेंगे। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट क्रॉप, पेरेंट क्रॉप को सेलेक्ट करने के बाद क्रॉस ब्रीडिंग होती है यहाँ पर प्लांट ब्रीडर से और साइंटिस्ट से, जो कि एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट को बनाने के लिए हम प्लांट क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। द न्यू वैरायटी कंटेन द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, अब जो दो प्लांट्स लिए हैं, अब जो न्यू प्रोड्यूस हो गए इन दोनों की ब्रीडिंग से, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स से एक न्यू प्रोडक्ट रिलीज होगा, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और जो न्यू वैरायटी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। मैनी हिल डाइलिंग वैरायटीज ऑफ, जैसे इसमें हाई यील्ड वैरायटीज जैसे मेज, वाइट ट्रीज प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन से। अब लेट अस, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द स्टैमेन ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर रिमूव्ड प्रायर टू द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर, जो स्टैमेन है बाइसेक्सुअल फ्लावर से वो रिमूव करते हैं हम मैच्योरिटी ऑफ मैच्योरेशन ऑफ दिस एंथर से होने से पहले। नेचुरल पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड इन द फ्लावर्स बाय कवरिंग इट विद ए पेपर और अ मसलिन बैग, नेचुरल पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड इन द फ्लावर, फ्लावर में प्रिवेंट करते हैं हम नेचुरल पॉलिनेशन, जैसे हम कवर करते हैं इसको मसलिन बैग से, कवर करते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं नेचुरल पॉलिनेशन से। एज सून एज द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर बिकम मैच्योर, जब स्टिग्मा फुल्ली तरीके से मैच्योर हो जाता है तो पॉलन किट को डिपोजिट करते हैं स्टिग्मा में विच हैज बीन टेकन फ्रॉम एंथर प्लांट, अनदर प्लांट से जो हमने पॉलन ग्रेन्स लिया है, उसके बाद उस मसलिन बैग को ओपन करके स्टिग्मा के अंदर डालते हैं, मतलब डिपोजिट करते हैं। द सीड्स ऑफ द न्यू हाइब्रिड वैरायटी आर बेटर क्वालिटी, जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं इस हाइब्रिड से वो बेटर क्वालिटी के होते हैं और उसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम रिमूव कर देते हैं स्टैमन को, मतलब बाइसेक्सुअलिटी नहीं होती है यहाँ पर, पॉलिनेशन वो खुद नहीं कर सकते, हम खुद से पॉलिन ग्रेन्स अलग प्लांट से डिपोजिट करते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वंस अ पॉलन ग्रेन रीचेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज, जब एक बार पॉलन ग्रेन पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, स्टिग्मा में, सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है अभी, तो वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा और पॉलन ट्यूब, जब वो जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुंच गया, जब पहुंचने के बाद एक पॉलन ट्यूब रिलीज हो जाएगी, मतलब कि एक पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी जो कि पूरा कहाँ तक जाएगी, ओवरी स्टाइल तक जाएगी। जो ये पॉलन ट्यूब है इसमें टू न्यूक्लियाई होते हैं, जो एक न्यूक्लियस है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, जायगोट फॉर्म करेगा, ठीक है, फ्यूजन के बाद। दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगल फर्टिलाइजेशन, लेकिन मैंने क्या बोला था, टू न्यूक्लियाई होते हैं, जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ होगा टू पॉलर न्यूक्लियन के साथ, ये फ्यूजन दो बार होने की वजह से इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और जो द फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जो फ्यूजन रिजल्ट होता है उसमें हम क्या फॉर्म करते हैं, उसमें क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन जब एंथर तक पहुंचा तो उसके बाद एक पॉलन ट्यूब रिलीज हुई, फॉर्म होने के बाद यहाँ से टू न्यूक्लियाइज गए, टू न्यूक्लियस गए, जो फर्स्ट न्यूक्लियस है वो एग सेल के साथ यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूज हुआ फीमेल गैमेट के साथ और जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियाई वो फ्यूज होगा टू पॉलन न्यूक्लियाई विद द अदर टू पॉलन न्यूक्लियाई के साथ, और इस ऑकर
जो फ्यूजन ऑकर होगा ट्वाइस उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और जो फ्यूजन का रिजल्ट होगा उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म्स, ठीक है। सो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नाउ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। सेपल पेटल्स एंड स्टैमेन फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, स्टैमेन होते हैं, वो पूरे झड़ जाते हैं। स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑल्सो विदर अवे, और स्टिग्मा और स्टाइल भी विदर मतलब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर गिर। द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो जाइगोट है और जो फर्टिलाइज्ड पूरा एग है वो डेवलप होता है, किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, जो सीड के अंदर जो छोटा पार्ट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्ड, जब वो ओव्यूल पूरे तरीके से फर्टिलाइज हो जाएगा वो सीड में डेवलप हो जाएगा। सीड क्या है, एक मैच्योर ओव्यूल है जो कि ग्रो होता है न्यू प्लांट में जब उसको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। The ovary continue to grow and develop into, जब ovary continue grow होती जाएगी वो किस में डेवलप होगी, डेफिनेटली वो फ्रूट में डेवलप होगी। जो फ्रूट इज ripened ovary with, फ्रूट क्या होता है, उसके अंदर जो ovary होती है वो पूरी पकी हुई होती है। जैसे कुछ फ्रूट्स में आपने देखा है सीड होता है वो ovary होती है वो पूरी पक जाती है, और उसके ऊपर में पूरा फ्लैश मतलब कि आप खाने के लिए फ्रूट, जैसे मैंगो ही ले लो, उसके अंदर जो आप गुठली बोलते हो वो ripen ovary है, और उसके ऊपर ड्राई वॉल्स है और फ्लैशी स्वीट थिंग है जो आप कंज्यूम करती हो। इफ फर्टिलाइज, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन फेल होता है कोई भी रीजन से, तो जो ओवरी है वो विदर अवे एंड फॉल्स ऑफ हो जाएगी। जो ओवरी है वो विदर मतलब झड़ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। वेदरिंग एंड शेडिंग ऑफ कोरोला इंडिकेट्स द फर्टिलाइजेशन हैज टेक, अगर वेदरिंग एंड शेडिंग ऑफ, वेदरिंग मतलब ड्राई होना, मर जाना, वेदरिंग एंड शेडिंग ऑफ कोरोला, कोरोला मतलब पेटल्स, अगर पत्ते वेदर हो रहे हैं, वेदरिंग हो रही है, शेडिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो लर्न दिस चैप्टर एट होम अगेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर देन वी विल गोइंग टू डिस्कस in online class. Okay, thank you and have a nice day.